जैन दैन थैंक यू अगेन यार, आपने जो प्यार दिया, सपोर्ट किया यार, बहुत से लोग मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि यार मैग्नोलिया सरोलस दिखाओ, तो आई शो यू मैग्नोलिया सरोलस ऑल्सो, बट अभी कोविड के चक्कर में कई कई सोसाइटीज़ में जाना अलाउड नहीं हो रखा, तो यार प्लीज़ मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा रारिस मैग्नोलिया, मैं कैमेलिस भी दिखाऊंगा आपको। एंड जो मैं आज आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो है DLF क्रेस्ट, एंड ये जो वीडियो है वो आपका 3100 स्क्वायर फीट का वीडियो है, जिसमें वो 3 बेडरूम बना हुआ है। अदरवाइज़ वहाँ पे 3100 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम है। वहाँ पे जो साइज़ है वो 2700 स्क्वायर फीट का है, 3100 स्क्वायर फीट का है, 3500 स्क्वायर फीट का एंड 4000 का, उसके बाद वो पेंट हाउसेज आते हैं। सो ये आपको मैं क्लब फेसिंग फ्लैट दिखा रहा हूँ यार, ये लीज पे भी अवेलेबल और सेल पे भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी हो, मुझसे कुछ भी पूछना हो, तो यार आप एनी टाइम मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उसमें रहता है यार। कुछ भी क्वेरी के लिए आप मुझे फ़ोन करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट यार। जय हिंद, नमस्ते, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार। दिस इज़ दी मेन लॉबी फॉर DLF क्रेस्ट, आपको दिख रहा होगा। ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको मेन टावर की एंट्रेंस है, जो हम इस लॉबी से होकर अपने अपार्टमेंट में जाएंगे। जस्ट यू कैन सी दी इंटीरियर वर्क को जो आप लोग, ये जो मेन लॉबी है, एक्चुअली DLF की लॉबी तो हमेशा स्टार्टिंग से ही यार यूनिक रही है, अच्छी रही है, इंप्रेसिव रही है। सो दिस इज़ दी लिफ्ट लॉबी, मैं आपको अभी अपार्टमेंट में लेके चलता हूँ, आई विल शो यू अगेन। ये एक बार आपको मैं लॉबी का व्यू फिर से दिखा रहा हूँ, तो आप चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। सो दिस इज़ दी मेन लॉबी जो कि लिफ्ट लॉबी है DLF क्रेस्ट की। दो अपार्टमेंट इस तरफ है, जिस तरफ मैंने आप कैमरे का व्यू कर रखा है, और दो अपार्टमेंट उस तरफ हैं। सो यू कैन सी दी लिफ्ट लॉबी, और हम चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। सो जो ये अपार्टमेंट है वो 3100 स्क्वायर फीट का है, जो कि 3 बेडरूम है। वैसे वहाँ पर जो साइज़ होते हैं वो 3 बेडरूम 4 बेडरूम होता है 3100 स्क्वायर फीट में। तो ये इसका सर्वेंट रूम है, यू कैन सी दी सर्वेंट रूम, दिस इज़ दी लोगो। एंड हम चल रहे हैं अपार्टमेंट की तरफ। सो एंटर करते ही आपको ये व्यू आएगा, ये सामने जो वॉल दिख रही है एक रूम है। सो दिस इज़ दी ड्राइंग डाइनिंग, यू कैन सी दी ड्राइंग डाइनिंग। ये लेआउट यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ ये जो लेआउट है वो 3500 स्क्वायर फीट का है, बट ये 3100 स्क्वायर फीट इसलिए क्योंकि इसमें एक रूम कम है, वो कि राइट वाला। सो यू कैन सी दी ड्राइंग डाइनिंग, वो आपको सामने डाइनिंग दिख रहा है, और मैंने थोड़ा जो दिखाया था वो ड्राइंग था। सो दिस इज़ दी पूजा रूम, यू कैन यूज़ एज बार, आप जो भी इसे बनाना चाहें आप अपने हिसाब से इसे इंटीरियर वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी गेस्ट वॉशरूम पाउडर रूम, दिस इज़ दी किचन, आई विल शो यू किचन अगेन। सो यू कैन सी दी ड्राइंग एरिया, आप देख सकते हैं इसकी। सो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। सो ये इसका फर्स्ट रूम है, जब हम एंटर करते ही आते हैं, यू कैन सी दी वुडन फ्लोरिंग, आपको दिख सकता है कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी का अपार्टमेंट बनाया हुआ है। और दिस इज़ दी कबर्ड जो आपको मिरर में दिख रहा है, ये कबर्ड है इसकी। यू कैन सी दी वुडन फ्लोरिंग एंड यू कैन सी दी वॉशरूम, उसमें जो आपको काम कर रखा है DLF ने ही करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी कितनी प्रीमियम है। सो दिस इज़ दी मेन बालकनी, एंड जो अपार्टमेंट है ये पार्क फेसिंग है, आई विल शो यू। और ये जो मेन बालकनी है, इसमें दो मेन बालकनी है, ये इस रूम से अटैच है और इसके ड्राइंग डाइनिंग से अटैच है। यू कैन सी दी पार्क, आपको पार्क दिख रहा होगा, दिस इज़ दी क्रेस्ट टावर DE&F। अब हम चलते हैं इसकी किचन की तरफ। सो दिस इज़ दी किचन, यू कैन सी बहुत प्रीमियम क्वालिटी किचन है यार, जो भी इसमें यूज़ किया हुआ सीमेंस के प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, आपका रेफ्रिजरेटर, ओवन, एंड जो भी आपको दिख रही है चिमनी नोब, जो भी आपको दिख रहा है वो सब DLF ने करा हुआ है। और जो सामने आपको दिख रहा है वो DLF क्रेस्ट का क्लब है। सो काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है DLF का यार, वन ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट है। यू कैन सी दी क्वालिटी फॉर द किचन, आपको क्वालिटी दिख रही होगी, वीडियो में यार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब दिख रहा होगा जो भी काम करा हुआ DLF ने। एंड दिस इज़ दी सेकेंड रूम जो कि मास्टर बेडरूम है, यू कैन सी दी साइज़ ऑफ मास्टर बेडरूम। सो DLF स्टार्टिंग से ही अपने प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी फेमस है, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा बिल्डर है आज के टाइम में, नाम से इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। प्रोजेक्ट अगर जहाँ भी गड्ढा खोदता है वहाँ इसका 25% की बुकिंग हो जाती है। यू कैन सी दी साइज़ ऑफ द अपार्टमेंट, एंड यू कैन सी दी इसका रूम जो मैं मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम। सो दिस इज़ दी मेन वॉशरूम फॉर दी मास्टर बेडरूम, एंड दिस इज़ दी मास्टर वॉशरूम, यू कैन सी। सो अब मैं इसको आपको ले चलता हूँ इसके थर्ड रूम में। सो दिस इज़ दी थर्ड रूम, यू कैन सी, यू कैन सी दी साइज़, यू कैन सी दी फ्लोरिंग, यू कैन, आपको जो सामने दिख रहा है DLF क्रेस्ट का क्लब है। क्लब में आपको एवरीथिंग जो 5-स्टार होटल में होती है वो सब कुछ आपको मिलेगा इस क्लब में। दिस इज़ दी कबर्ड, जो आपको मिरर दिख रहा है वो कबर्ड है। सो इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं, ये इसका वॉशरूम है, यू कैन सी दी वॉशरूम। और यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। ये थोड़ा सा छोटा वीडियो था, ये इसकी मैं आपको फिर से एक बार व्यू दिखा देता हूँ।
दिस इज़ दी सामने जो दिख रहा है आपको डी एल एफ क्रेस्ट है और टावर डी ई एंड एफ दिख रहे हैं। सो यार अच्छा लगे, आप होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू यार।